म्हणजे वतीने सत्श्रीकाल सन्माननीय माजी महापौर आर भैसे विनंती आहे की त्यांनी व्यासपीठावरती स्थानापन व्हायचं. मौलाना आझाद विचार मंच सोलापूर शहर जिल्ह्याच्या वतीने या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात तिलावते कुरान मौलाना मोहम्मद हुसैन नदाब साहब, इनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पर आए और चंद आयतें पढ़कर इस प्रोग्राम का आगाज करें. मौलाना मोहम्मद हुसैन नदाब साहब. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लम सल्लु अलैहि. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. हमें चंद आयतें बेहतरीन अंदाज में सुनाई, इसलिए मौलाना आज़ाद विचार मंच की जानिब से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया जाता है. इस प्रोग्राम की प्रस्ताविक और प्रस्तावना नगर सेविका फिरदौस पटेल, इनसे गुजारिश है कि वो आए और इस प्रोग्राम का प्रस्ताविक सभी हाजरीन को बताए. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मौलाना आज़ाद विचार मंच की ओर से आज मुस्लिमों का मेलावा और सत्कार सोहरा यहाँ पर रखा गया है. इस प्रोग्राम के सदर हमारे खासदार हुसैन दलवाई साहब और हमारे विधान परिषद सदस्य वजात मिर्ज़ा साहब, हमारे अमदार यूसुफ अब्रानी साहब और यहाँ पर मौजूद हसन नदार साहब, शौकत पटेल साहब और सभी मंच पर मौजूद हमारे नगर सेवक बाबा मिस्त्री साहब, माजी महापौर आरिफ शेख साहब और हमारे इकबाल अंसारी साहब
और सभी मौजूद यूसुफ अंसारी साहब और यहाँ पर मौजूद हमारे आमदार प्रणीत शिंदे जी अभी आने वाले हैं, उनका भी हम यहाँ पर इस्तकबाल करते हैं और सभी मेहमानों का हम यहाँ पर इस्तकबाल करते हैं हमारे सोलापुर शहर में और प्रभाग क्रमांक 16 की तरफ से। हमारे सोलापुर शहर के मुफ्ती अमजद अली काजी साहब यहाँ पर आए हैं, हम उनका से भी इस्तकबाल करते हैं। इस प्रोग्राम के सदर अमजद अली काजी साहब यहाँ पर आए हुए हैं, उनका हम इस्तकबाल करते हैं। आज यहाँ पर मौलाना आज़ाद विचार मंच की ओर से सत्कार समारोह यहाँ पर मुसलमानों के अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर सब आप सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इसलिए सबका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। हमें पता है कि मुसलमानों को पाष्ट के आरक्षण का मसला उठाया गया और हमें वो करना ज़रूरी है, कोशिश करनी है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे समाज में जो सोशली एजुकेशनली जो बैकवर्ड है उनके लिए हमें लड़ना है, उनके लिए आरक्षण लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे काम के जो बच्चे हैं जिस आरक्षण की वजह से पीछे है और जो एजुकेशन में लेकिन पीछे है और एजुकेशन में पीछे रहने की वजह से उनको यहाँ पर नौकरियाँ नहीं मिलती और बेकार होते जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें एजुकेशन में यहाँ पर हमें आरक्षण मिलाना है, तो इसके लिए सभी मिलकर एक यूनिटी बना के ये काम करना है। तो हुसैन बलवाई साहब हमारे सोलापुर शहर में आए हैं, तो उन्होंने उस्मानाबाद में आज उनकी बहुत बड़ी मीटिंग हुई, तो हर जगह हर मोहल्ले में हर शहर में सभी लोग इकट्ठा होकर हमें ये आरक्षण का मुद्दा लेना है, क्योंकि हमें आरक्षण ऐसे ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो सोशली और इकोनॉमिकली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड है उसके लिए हमें आरक्षण मांगना है। तो इसके लिए हम ज़रूर कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह सब लोग हम मिलकर कोशिश करेंगे। हमें पता है कि मुसलमानों की हालत बहुत ख़राब होती जा रही है, क्योंकि ये बीजेपी सरकार जब से आई है तब से इस मुसलमानों पर हम पर जुल्म होते जा रहे हैं। गो हत्या के नाम पर वकील कई मुसलमानों को कत्ल किया गया, ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, ट्रिपल तलाक का मुद्दा अभी भी इस बीजेपी सरकार ने उठाया गया, इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तो आरक्षण का मुद्दा भी इसके पहले जो यूपीए सरकार कांग्रेस सरकार थी जब आरक्षण दिया गया, लेकिन ये नई सरकार आने के बाद उसको वहीं पर रुकाया गया। तो इसके लिए हमें लड़ना ज़रूरी है और इंशाल्लाह हम दलवाई साहब के अध्यक्ष में और हमारे पुणे के पीओ इनामदार साहब है वो भी इस मुद्दे को उठाए हुए है, इंशाल्लाह हम सब लोग मिलकर उसको ज़रूर मदद करेंगे, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पर हमें हुसैन बलवाई साहब का भी उनका मार्गदर्शन सुनना है, हमारे अब्राहिम साहब, हमारे मिर्ज़ा साहब, उनका भी हमें यहाँ पर उनका मार्गदर्शन सुनना है। इसके लिए मैं अपना प्रस्तावित यहीं पर ख़त्म करती हूँ और हमारे सोलापुर शहर में आप सबका मैं इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रस्तावना ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नगर सेविका फिरदौस पटेल। अभी अभी नगर सेवक रियाज भाई हुंडेकरी इनकी यहाँ तशरीफ़ आवरी हुई है, मौलाना आज़ाद विचार मंच के जानिब से उनका इस्तकबाल किया जाता है। इसके बाद कुमार सैजल साहब बराए मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। इसके बाद हसीब नदाब साहब प्रदेश सरचिटनीस मौलाना आज़ाद विचार मंच आपसे रूबरू हो गए और मुस्लिम आरक्षण शिक्षण संरक्षण और आज के प्रोग्राम की जानिब से चंद बातें आपसे अर्ज करेंगे। हसीब नदाब साहब अस्सलाम वालेकुम। मंच पर आज के प्रोग्राम की सदारत करने वाले हमारे कौमी रहनुमा मुफ्ती अमजद अली काजी साहब, मौलाना आज़ाद विचार मंच के अध्यक्ष खासदार हुसैन दलवाई साहब, जिनका सत्कार आज सोलापुर वालों की ओर से किया जा रहा है, वो हमारे डॉक्टर वजाद मिर्जा साहब, आमदार बम्बई के जो माजी आमदार यूसुफ अब्राहनी साहब, मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष इकबाल अंसारी साहब, विचार मंच के सरचिटनीस यूसुफ अंसारी, खलील सैयद नगर सेवक, हमारे उद्योगपति समाजी और एजुकेशन काम में सोलापुर को एक राह दिखाने वाले नसीर खलीफा साहब, स्टैंडिंग कमेटी के दो माजी चेयरमैन और अभी के नगर सेवक रियाज भाई हुंडेकरी, बाबा मिस्त्री साहब, माजी महापौर आरिफ शेख साहब, मुस्लिम एबीसी ऑर्गेनाइजेशन के शहर अध्यक्ष हमारे दोस्त सलीम नदाफ साहब, उद्योगपति हाजी मुश्ताक
मर्चंट साहब, जिल्हाध्यक्ष इस्माईल पटेल साहब, शहराध्यक्ष शौकत पटेल साहब, शौकत पठान साहब, पश्चिम महाराष्ट्र के अध्यक्ष हमारे शौकत पठान साहब, और अभी प्रास्ताविक जो कि है हमारी बहन नगर सेविका फिरदोस पटेल। मैं मौलाना आज़ाद विचार मंच की भूमिका, उनका कार्य और मुसलमानों की कुछ समस्या के ताल्लुक से आपके सामने बात करने के लिए खड़ा हूँ। मुस्लिम आरक्षण का जो मुद्दा हमारे सामने आया है, पूरे राज्य में मराठा समाज आरक्षण के लिए रास्ते पर उतरा है, ऐसे वक्त में मुसलमान जो सही मानों में एजुकेशनली सोशली बैकवर्ड है, जिनके रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने बताया, सच्चर समिति ने बताया, डॉक्टर महमूदुर रहमान कमीशन ने बताया, और हमारी देश का दस्तूर घटना जो है 15(4) और 16(4) कलम में सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के लिए सरकार को विशेष सहूलत, विशेष रूप से आरक्षण देने को कहती है। लेकिन देखा जा रहा है महाराष्ट्र में जगह जगह पर मुसलमान इस मुस्लिम आरक्षण के लिए आवाज़ उठा रहा है, और इस आरक्षण को जो दिया हुआ था, जो घटनात्मक आरक्षण कोर्ट ने भी मंजूर किया, मुसलमानों का की जो हालत है इस देश की बहुत पिछड़ी है एजुकेशन के मामले में, 4% नौकरियों में मुसलमानों का परसेंटेज है, 1ली से 10वीं तक जो शिक्षा लेते हैं मुसलमान बच्चे उसमें 35% ड्रॉप आउट है, यानी कि जिसको गलती कही जाती है, यानी कि 3 में का 1 बच्चा मुसलमानों का एजुकेशन का अभी तक चेहरा भी नहीं देखा, स्कूल को गया ही नहीं, ऐसा सर्वेक्षण बताता है। और बाल कामगार जो है नियर अबाउट 40% जो बाल कामगार है वो मुसलमानों में है। बहुत बुरी हालत हमारी मुसलमानों की, सच्चर समिति, रंगनाथ मिश्रा कमीशन और बाकी के रिपोर्ट्स ने इस देश में सामने लाई, उसके बाद भी सरकार जो है वो मुसलमानों के आरक्षण में बात करने के लिए तैयार नहीं। तो हम एक मिशन लिए हैं पिछले हफ्ते में बम्बई में एक पूरे सामाजिक कार्यकर्ताओं की, सामाजिक लीडर की एक बड़ी मीटिंग खासदार हुसैन दलवाई साहब के और जनाब पी इनामदार साहब के रहनुमाई में अध्यक्ष में हुई, किशोर अबरानी साहब भी थे, इकबाल अंसारी साहब थे, महाराष्ट्र के सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाले मुसलमान कार्यकर्ते और नेता उस मीटिंग में मौजूद थे। इस आरक्षण के लिए महाराष्ट्र में एक वैचारिक आंदोलन छेड़ा जाए, रास्ते पर आने के बजाय जगह जगह पर कॉन्फ्रेंस लेकर सरकार को ये बताया जाए कि हम आरक्षण की हमारी जरूरत, हमारी मांग को वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करने का आज निर्णय उस्मानाबाद में लिया। उस्मानाबाद में आमदार नवाब मलिक थे, आमदार आरिफ नसीम खान माजी मंत्री, खासदार हुसैन दलवाई, ईशु अबरानी साहब, वजाद मिर्जा और बाबा जानी, जितने भी MLA थे वो सब MLA वहाँ पर एक साथ मौजूद हुए, और उन्होंने आवाज़ की कि पार्टी का पॉलिटिक्स बाजू में रखकर, कौम के अबू वसीम आजमी साहब भी थे समाजवादी पार्टी के, तो ये सब आमदारों ने और सभी कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया कि महाराष्ट्र में अवेयरनेस के लिए पूरे जगह जगह पर बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस रखना है। ये आज की मीटिंग जो रखी गई है सिर्फ 2 दिन के दावतनामे पर आप सब आए, इसलिए आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, मैं हमारे नगर सेवक रियाज भाई उंडेगिरी, बाबा मिस्त्री फिरदोस पटेल और शौकत पठान साहब और सैयद कुमार वो हैं और रफी इनो तौफीक भाई हत्तूर है नगर सेवक, इनको मुबारकबाद देता हूँ। मुबारकबाद इसलिए कि पिछले महीने हमने कलेक्टर को एक निवेदन दिया, हमने डिमांड की कि 15 कलमी कार्यक्रम इस सिटी के जिले के अंदर होने के लिए कमेटी नहीं है। उर्दू घर की हमने जो पिछले सरकार ने सोलापुर के लिए उर्दू घर मंजूर किया था, वो उर्दू घर की हम डिमांड रख के हमारे नेता UN बेरिया साहब भी उस काम में बढ़ चढ़ कर थे, तो ये सब लोगों ने हम कलेक्टर के पास चले गए
और कलेक्टर को बताएं कि ये उर्दू घर का जो प्रॉब्लम है वो उर्दू घर का प्रॉब्लम क्या है वो बताओ। तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और बाकी के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में कलेक्टर साहब ने उसको बहुत सीरियस लिया और मुझे लगता है 8 अगस्त का दिन था वो, 8 अगस्त के दिन जब हम मिले तो कलेक्टर साहब ने वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बुलाया 2 ही दिन में और हमारे साथ मीटिंग की और उन्होंने कहा कि 1 नवंबर में सोलापुर में उस उर्दू घर का उद्घाटन होना चाहिए पाया भरनी काम का। तो स्पीड में उसका काम बहुत इसे पेंडिंग था वो शुरू हुआ, इसलिए मुबारकबाद के ये 14 अगस्त को कलेक्टर ने 15 कलमी कार्यक्रम की अमल बजावनी के लिए एक मीटिंग बुलाई, पूरे डिपार्टमेंट्स की मीटिंग बुलाई जो लीगली महीने में 2-3 महीने में एक बार वो मीटिंग होना चाहिए। तो वो मीटिंग के लिए हम सबको बुलाया, सभी नगर सेवक थे हम सब चले गए और मीटिंग में हमारे जो डिमांड्स थी वो रखी। कलेक्टर साहब ने कहा कि 15 से 20 पेजेस में आप डिटेल निवेदन दो, फिर उसके बाद हम सब जाके मिलकर वो निवेदन दिए। और हाल ही में 2 दिन पहले मुझे मालूम पड़ा है रियाज भाई की 15 कलमी कार्यक्रम के लिए जो कमेटी बन रही थी शासकीय जो 4 साल नहीं बनी तो सोलापुर जिले की कमेटी डिक्लेयर हो गई ऐसा मुझे मालूम पड़ा। तो हमको सही ढंग में अगर हमारे मसले लेकर अगर हम आगे चले गए तो इंशाल्लाह उसमें कामयाबी होती है। वहाँ पर नगर सेवक सब लोग आए, उन्होंने ये नहीं कहा कि उसका नेतृत्व कौन करेगा, लीडरशिप कौन करेगी, हमारे कौन का मसला है, हम सब मिल के एक जगह पर जाएंगे। और वो हमने बहुत एकदम सीक्रेटली वो काम किया, बाद में प्रेस मीडिया में भी उसकी बात आई, सभी नगर सेवक और उसके सभी कार्यकर्ताओं को मैं इस बात की मुबारकबाद देता हूँ। मुस्लिम समाज के शैक्षणिक प्रगति के लिए, एजुकेशन के लिए जिला लेवल पर वस्तीगरी की डिमांड हम कर रहे हैं और जो अर्थ संकल्प होता है, बजट जो होता है, उस बजट में का 15% का हिस्सा मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को देना चाहिए, ऐसी डिमांड हम शासन के तरफ पूरे महाराष्ट्र में रख रहे हैं। तो 15% का हिस्सा अगर हमको मिलेगा टोटल बजट का तो हमारे स्कीमें जो बंद पड़ी है, इसमें खास करके मौलाना आज़ाद विचार मंच पिछले 4 साल से बंद पड़ा है, एजुकेशन के लोन भी वहाँ पर मंजूर ये नहीं होते, उसका भी रिव्यू कलेक्टर के सामने हमने बताया। और दूसरा जो मसला इम्पोर्टेंट मसला है, वक्फ बोर्ड के जो कमेटी है, वक्फ बोर्ड के सदस्य खासदार हुसैन दलवाई साहब है, उनसे मैं डिमांड करना चाहता हूँ कि वक्फ की जमीन में लाखों एकड़ जमीन महाराष्ट्र में है, नियर अबाउट 1 लाख एकड़ जमीन का सर्वे हुआ है जो वक्फ बोर्ड की है, लेकिन उसकी 70% जमीन गवर्नमेंट ने इंक्रोचमेंट की है, अतिक्रमण किया है, प्राइवेट व्यक्तियों ने अतिक्रमण किया है। अगर वो जमीन हमारे ताबे में देंगे और उसका डेवलपमेंट करेंगे तो मुसलमानों को कोई स्कीम की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा डॉक्टर इम्तियाज अहमद ने सर्वे करके बताया है। वो जमीनें हमारे अगर पास आए और वो जमीनों का डेवलपमेंट हुआ और हमारे बच्चों के लिए और हमारे महिलाओं के लिए अगर उनके डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। पिछले 3-4 साल से CEO जो चाहिए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड में दलवाई साहब, वो वक्फ बोर्ड में CEO नहीं है। पिछले तो वो CEO इस महीने में अपॉइंट करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है, अभी अपॉइंट तो नहीं हुआ, देखेंगे अभी उसका निर्णय क्या होता है। तो ये सब समस्या को लेकर हमको थोड़ा सा जागृति बनाना पड़ेगी हम सबको। शोलापुर में कल ही उस्मानाबाद की आज की मीटिंग में हमने डिक्लेयर किया नियर अबाउट अरिब रियाज, हमको 5 से 10 हज़ार लोगों का ग्राउंड पर का एक कॉन्फ्रेंस मुस्लिम आरक्षण को लेकर और मुस्लिम समस्या को लेकर आने वाले दिनों में करना है। वहाँ पर ये सब लोग आमदार सभी खासदार हुसैन दलवाई साहब और सभी मूवमेंट के कार्यकर्ता पी इनामदार साहब, हमारे नवनिर्वाचित आमदार वजाद मिर्जा साहब, ये सब लोग, यूसुफ अबरानी साहब, ये सब लोग यहाँ पर उस मेला में मौजूद रहने का उन्होंने वादा किया है। तो ये कॉन्फ्रेंस जल्द ही हम सब लोग शोलापुर वाले को बैठ के लेना है, उस कॉन्फ्रेंस की तैयारी भी करना है। जब तक हम इकट्ठा होकर हमारे डिमांड्स के लिए रास्ते पर नहीं आएंगे और हमारी ताकत नहीं दिखाएंगे, जब तक ये शासन हमारे लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। आज ये तासुब पसंद जो गवर्नमेंट है देश में और राज्य में, इस गवर्नमेंट के लिए इस 2019 में के बाद ये गवर्नमेंट नहीं रहना चाहिए, ऐसा भी कोशिश हम पूरे लोगों को करना जरूरी है और सेक्युलर विचारधारा की गवर्नमेंट हमारे सामने लाने की पूरी कोशिश करना चाहिए।
ऐसा मुझे लगता है। मैं ज़्यादा बात किया इसलिए मैं सबकी माफ़ी मांगता हूँ। और आज की मेरी भूमिका इस कार्यक्रम को लेने की, मैं मेरी खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शुक्रिया आसिफ नदाब साहब, जिन्होंने हमें मौलाना आज़ाद विचार मंच के बारे में और जो कौम के मसाइल है उसके बारे में रोशनी डाली। सबसे पहले इस प्रोग्राम को जो मेहमान खुसूसी बहुत दूर से तशरीफ़ लाए हैं, उनका इस्तकबाल और सत्कार अब होने जा रहा है। सबसे पहले एक काजी साहब, इनकी गुरुपोशी शौकत भाई पठान, नगर सेवक सोलापुर महानगर पालिका, शहराध्यक्ष मौलाना आज़ाद विचार मंच, इनसे गुजारिश है कि वो उनकी गुरुपोशी करें। पोशी शौकत भाई पठान ये करेंगे। इसके बाद माननीय आमदार यूसुफ अब्राहमी साहब, इनकी गुरुपोशी शौकत भाई पठान, सोलापुर महानगर पालिका। इसके बाद डॉक्टर वजाहत मिर्जा साहब, जो नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्य चुने गए हैं, इनकी गुलपोशी शौकत भाई पठान इनकी जानिब से होगी। या ठिकाणी सन्माननीय खासदार हुसेनभाई बेलभाई यांचं शौकतभाई पठाण यांच्या हस्ते त्यांचं स्वागत व सन्मान होत आहे। या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी सन्माननीय खासदार हुसेनभाई बेलभाई यांचं सोलापूर शहराध्यक्ष मौलाना आज़ाद विचार मंचचे शौकतभाई पठाण यांच्या तर्फे सन्मान होत आहे। विधान परिषदेचे नूतन आमदार सन्माननीय वजाहत मिर्जा यांचं सुद्धा या ठिकाणी मौलाना आज़ाद विचार मंचचे सोलापूर शहराध्यक्ष शौकतभाई पठाण तसेच सोलापूर जिल्हाध्यक्ष इस्माईल पटेल यांचे शुभ हस्ते त्यांचं या ठिकाणी सन्मान होत आहे। विधान परिषदेचे नूतन आमदार सन्माननीय वजाहत मिर्जा तसेच मौलाना आज़ाद विचार मंचचे संस्थापक अध्यक्ष सन्माननीय खासदार हुसेनभाई बेलभाई, सोबतच माजी आमदार यूसुफ अब्राहमी यांचा संयुक्तपणे या ठिकाणी सोलापूर शहर व जिल्ह्याच्या वतीने या ठिकाणी सन्मान व स्वागत होत आहे। सन्माननीय खासदार हुसेनभाई बेलभाई, सन्माननीय आमदार वजाहत मिर्जा, माजी आमदार यूसुफ अब्राहमी यांचं या ठिकाणी मौलाना आज़ाद विचार मंचचे यूसुफ अन्सारी साहब, इनकी गुलपोशी शौकत भाई पटेल ये करेंगे। इसके बाद इकबाल अंसारी साहब, इनकी गुलपोशी सोलापुर जिलाध्यक्ष इस्माइल भाई पटेल ये करेंगे। इसके बाद हाजी नसीर अहमद खलीफा, इनकी गुरुपोशी हसीफ नदाब साहब करेंगे। नसीर अहमद खलीफा यांचं या ठिकाणी सन्मान होत आहे। मी इरफान महाजनांना विनंती करतो त्यांनी त्यांचा सन्मान करावा। नसीर अहमद खलीफा यांचं या ठिकाणी स्वागत व सन्मान होत आहे। इरफान महाजन यांनी त्यांचं स्वागत करायचं आहे। सोबतच सोलापूर महानगरपालिकेचे माजी सभापती तथा लोकप्रिय नगरसेवक रियाज मुंडेकरी यांचं या ठिकाणी स्वागत व सन्मान होत आहे। मी रोख जमादारांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं हार्दिक स्वागत। सर्वांचा सत्कार सोहळा संपन्न झालेला आहे। यानंतर कार्यक्रमाची सुरुवात होत आहे। दावत देता हूँ हमारे डॉक्टर वजाहत मिर्जा साहब को कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। शौकत पटेल साहब, आरिफ भाई, मोहम्मद हुसैन नदाब साहब, कुमार सहजल जी, बाबा भाई मिस्त्री, खलील सर और यहाँ पे बैठे हुए मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी बहनों और साथियों, बड़े कश्मकश में था कि कहाँ से शुरू करूँ।
तो किसी का एक शेर याद आ गया, खुदा वंदा तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ तेरे रहमतों पे नाश करता हूँ, मुझे उड़ना नहीं आता लेकिन तेरे रहमत पे परवास करता हूँ। बहुत बहुत अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि मुझ जैसे नाचीज को अल्लाह ने इतनी इज्जत से नवाजा है, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ। सच पूछिए तो मौलाना आजाद विकास मंच का और उनके तमाम खासतौर पे हसीब भाई का, शौकत भाई का और उनके तमाम साथियों का मैं दिल के गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। आज आज यहाँ बुला बुला कर जो इज्जत बख्शी है, मैं इस आपके जज्बात को आपके मोहब्बत को हमेशा अपने सीने से लगा लगा के रखा। एक बहुत बड़ा हार मुझे डाला गया दलवे साहब को, यूसुफ अबरानी साहब को, हम सबको डाला गया, उसका बहुत वजन था खांदे पर, लेकिन जो जब जब जो जिम्मेदारी पार्टी ने है एमएलसी बनाकर कौम की खिदमत करने का जो मौका दिया है, मैं समझता हूँ उसका वजन इस हार से कई गुना ज्यादा था। और इसके साथ साथ न्याय करने के लिए पूरी पूरी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा। आज ये राहुल आदरणीय अशोक चौहान साहब, गुलाम नबी आजाद साहब, खड़गे साहब, हुसैन दलवाई साहब, सुशील कुमार शिंदे साहब, इन सब ने मुझ जैसे नौजवान को मौका दिया है और काम करने का एक एक मुझे हौसला मिला है कि मैं इस नियुक्ति को उसके साथ न्याय कर सकूं। मैं ज्यादा बता नहीं लूंगा कि मैं दलवाई साहब से 10:30 बजे ट्रेन है और आप लोग भी काफी देर से यहाँ बैठे, लेकिन कुछ बातें मैं रखना चाहूंगा। आज जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, इस देश को बांटने का काम किया जा रहा है, खास तौर पर अखिलेश पे नाइंसाफी की जा रही है, जुल्म करने की कोशिश की जा रही है, इसका सामना करना मैं समझता हूँ हम सबके सामने सबसे बड़ी अभी सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ी चुनौती है। आप देखिए देश बड़ा अजीम नहीं है हमारा हिंदुस्तान, आप यहाँ पर 50 किलोमीटर चले जाए तो भाषा बदल जाती है, बोली बदल जाती है, 500 किलोमीटर चले जाए तो चेहरे बदल जाते हैं। जैसा कश्मीर में गए लोग तो खड़े नाक के लोग हैं, तो उन्होंने नीचे आ गए लोग बदल जाते हैं, और ऐसे में बांटने का काम तोड़ने का काम कर रही है। लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस देश को जोर जोर रखने का काम कर रहे हैं। मुझे एक बड़ी अच्छी मिसाल याद आ रही है, एक बार एक सलून में एक टीचर अपने बच्चों को भारत का नक्शा पढ़ाते रहते हैं, तो आखिरी में बच्चा बैठा रहता है, उसके हाथ से गलती से और भारत का नक्शा खेलते खेलते फट जाता है, और वो बच्चा रोने लगता है कि भाई क्यों रो, मास्टर साहब उसके पास जाते और पूछते बेटा तू क्यों रो रहा है, तो बच्चा जवाब देता सर गलती से खेलते खेलते मेरे हाथ से नक्शा फट गया, तो इसको जोड़ नहीं पा रहा हूं। तो मास्टर साहब पूछते हैं कोई क्लास में जो बच्चा जोड़ पाए, तो एक बच्चा हाथ ऊपर करता सर इसको मैं जोड़ दूंगा, और जैसे ही वो बच्चे के पास नक्शा टूटे हुए टुकड़े ले जाते कागज के, तो बच्चा 5 मिनट में पूरे भारत के नक्शे को जोड़ देता। मास्टर साहब भी बड़े ताज्जुब में हैरत में पड़ जाते हैं कि इसने इतने आसानी से नक्शा कैसे जोड़ दिया, तो पूछते बेटा तूने जोड़ा कैसा मुझे बता मैं भी नहीं जोड़ पाता। सर बोले मुझे मेरे वालिद मोहतरम ने समझाया था कि भारत का जो नक्शा है सामने से है, इसके पीछे 4-5 तस्वीरें हैं, एक तस्वीर हिंदू की, एक तस्वीर मुसलमान की, एक तस्वीर सिख की, एक तस्वीर ईसाई की और एक तस्वीर बौद्ध समाज की है, ये 5वीं तस्वीर को जैसे ही मैंने जोड़ दिया तो भारत का नक्शा खुद ब अपने आप जुड़ गया। और उस जब उसका नाम पूछा जाता विद्यार्थी क्या नाम है आपका, तो विद्यार्थी जवाब देता मेरा नाम बोले हुसैन दलवई है, मेरा नाम प्रणीति शिंदे, मेरा नाम सुशील कुमार शिंदे है। ऐसे जब जोड़ने वाले लोग हमारे पक्ष में मौजूद है तो उनका तो हम ताकत से सामना करेंगे, और आने वाले दिनों में हम इंशाल्लाह 2019 में इनको हरा के, जो बीजेपी के लोग हैं उनको हरा के इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। बहुत सी बातें यहाँ रखी गई, मुस्लिम आरक्षण की बात की गई, आज बड़े अच्छी कॉन्फ्रेंस उस्मानाबाद में हुई जिसमें हर पार्टी के हर पक्ष के नुमाइंदे वहां पे मौजूद थे और बड़े अच्छे सुझाव हुए। आदरणीय जनाब हुसैन दलवाई साहब के सदारत में वो कॉन्फ्रेंस हुई, वहां पे बहुत अच्छे ठहराव लिए गए कि आने वाले दिनों में हम पूरी ताकत से
हम मुस्लिम समाज जो आरक्षण मांग रहा है, और हमारी पार्टी मुस्लिम समाज आरक्षण का समर्थन करती है, मराठा आरक्षण का और बाकी जो भी आरक्षण मांग रहे, जो भी पिछड़े वर्ग है उनका समर्थन करती है। वहां यह तय किया गया कि अपने हक की जो लड़ाई है, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, मुस्लिम समाज को भीख नहीं मांग रहा है, हम हमारे हक की और हमारे हुकूक की लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं। वो पूरी ताकत से दलवाई साहब के नेतृत्व हो, अबरानी साहब है, काजी साहब का हमको यहाँ पे सरपरस्ती है, इन सब के नेतृत्व में इंशाल्लाह पूरी ताकत से महाराष्ट्र में लड़ाई ली जाएंगी और इंशाल्लाह अल्लाह इसमें हमको जरूर कामयाब करेगा। इतना ही मैं कहता हूँ। और एक बात मुझे बड़ी अच्छी बताएगी वक्फ बोर्ड की आसिफ भाई ने बताया, आसिफ भाई आप उसकी मालूमात हमको दीजिए। इंशाल्लाह आने वाले सेशन में मेरा पहला क्वेश्चन इंशाल्लाह हम वक्त बोर्ड का ही लेंगे, आपको मैं जबान देता हूँ। वक्त की कमी है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। जिस मोहब्बत से, जिस खुलूस से आपने यहाँ बुलाकर मेरा सम्मान किया है, जो मोहब्बतों से आपने जो उसका सबूत दिया है, आप सबका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और जाते जाते एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। यह शेर आदरणीय हुसैन दलवाई साहब के तरफ से आप सबके नजर करना चाहता हूं। मैंने आवाज दिए तुमको बड़े नाजो के साथ, मैंने आवाज दिए तुमको बड़े नाजो के साथ, तुम भी आवाज मिला दो मेरी आवाज के साथ। बस इतना ही कहता हूं और अपनी बात खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे माजी आमदार यूसुफ अबरानी साहब जब शेतकरी आत्महत्या कर रहे थे पूरे महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में घूम के उनको मदद देने का काम यूसुफ अबरानी साहब कर रहे थे। हर शेतकरी को घर घर जाकर जो मदद देने का काम कर रहे थे वो हमारे यूसुफ अबरानी साहब। बहुत ही शानदार और जानदार शख्सियत है हमारे कौम की। मैं उनको दावत देता हूँ कि अपने विचार करो। अस्सलाम वालेकुम। जवाब नहीं आया। देखिए शौकत पठान साहब ने कहा है कि आप लोग बात सुनते लेकिन ताली नहीं बजाते, जो ताली नहीं बजा खाना नहीं मिलेगा उसको। सुना क्या किया मैंने, ताली दे देंगे खाना नहीं मिलेगा आपको। ये मजाक की बात थी, लेकिन सबसे पहले मैं जनाब हुसैन दलवाई साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्हीं की दावत पर मुझे यहाँ आने का मौका मिला है, और जो काम वो करते आ रहे हैं पिछले 30-40 साल से उनको बहुत ही करीब से मैंने देखा है। आज हम उस्मानाबाद गए, वहां भी उनके चाहने वाले बहुत थे, हम यहां पहुंचे इनको देखने मिलने के लिए काफी लोग रास्ते में खड़े थे, तो इनको देखकर शेर मुझे याद आ रहा है, रुके तो चांद चले तो हवाओं जैसा है, रुके तो चांद चले तो हवाओं जैसा है, ये सब धूप में देखो छांव जैसा है। आप लोग शायद भूखे हैं इसलिए ताली नहीं बज रही, देखिए नहीं चलेगा और ना बात मजा नहीं आएगा आपको सुनने की। जो आदमी आपके दिन रात मेहनत करता है, पूरा हिंदुस्तान घूमता है, उनकी तारीफ में जब बात करें तो चार पांच लोग ताली बजाते, तो दलवाई साहब उनको खाना नहीं चाहिए आज। ठीक है, हम लोग बात करते हैं आज जो जिस मकसद के लिए पहुंचे हैं। आज हमारे डॉक्टर मिर्जा का भी सत्कार किया आपने, एक नए हमारे आमदार हैं, और साथ साथ में हमारे बहुत सारे मस्जिद मेहमान यहाँ बैठे हैं, हमारे मुफ्ती साहब बैठे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ आके हमको इज्जत बख्शी। देखिए जब भी हम बात करते हैं मुसलमानों की तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जिक्र आता है, बीजेपी का, आरएसएस का, बजरंग दल का, वीएचपी का जिक्र आता है, और ऐसा खौफ और डर पैदा होता है हमारे अंदर कि शायद हमारी तकदीरें लोग लिखने वाले हैं। 2014 में जो हुकूमत आई आपके सामने, आपने देखा कि झूठे वादे करके आपसे वोट लिया गया, सिर्फ आपसे नहीं पूरे हिंदुस्तान में ये मोदी नाम का जो इंसान है उसने बहुत सारा झूठ कहा। आपसे पूछता हूं कि 15 लाख मिले आपको क्या? अरे आपको 15 लाख मिले क्या? जवाब भी नहीं आ रहा क्या? उन्होंने कहा था कि आपके बच्चों को नौकरियां मिलेगी, क्या आपके बच्चों को नौकरियां मिली? नहीं मिली। महंगाई कम होगी, डॉलर का भाव 40 रुपया होगा, आज वो भाव 70 रुपया हो चुका है। पेट्रोल का भाव देखिए, डीजल का भाव देखिए, और जहां तक हमारे
बजाज भाई ने कहा कि मासूम मुसलमान को मारा जा रहा है, लिंचिंग की जा रही है, वो पूरे हिंदुस्तान से खबरें आती है। तो आपको एक बात कहता हूं, आप सुनिए, गौर से सुनिए। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम जीव को सच लिख दो, अकबर भी तुम्हारा है। कोई मजलूम बहुत नहीं महीने वाला, जुल्म का दौर और नहीं रहने वाला, अजगरों का जिगर चीर के नूर आएगा, तुम्हें फिरौन तुम सब जरूर आएगा। तो ये बिल्कुल फिक्र की बात नहीं है। आज हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने इतना जोर से काम शुरू किया है, और खास करके राहुल गांधी जी ने पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं, मजदूर हो, किसान हो, हमारे छोटे बड़े बिजनेस करने वाले उनसे मिलते हैं, सरहद तक पहुंचते हैं, कश्मीर जाते हैं, गुजरात पहुंचते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनके मसले समझते हैं। और आज उनका आप देखिए उनका काम इतना बढ़ चुका है कि आज बड़े बड़े अखबार जो कल तक उनकी फेवर में थे, आज ये कहने में मजबूर हो चुके हैं कि 50-50 का चांस है। तो राहुल गांधी अगले हमारे प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, ऐसी दिन भी हमको नजर आती है। आज मुश्किल की बात है कि हमारे पास हुकूमत नहीं है। आज हमारा रिजर्वेशन जो 5% हमको दिया गया था कांग्रेस की तरफ से, उसको हमारी सरकार है, बीजेपी की आज सरकार है, उन्होंने रद्द कर दिया। तो इससे काफी हमारे में नाराजगी है। आप हिंदुस्तान में कहीं भी जाइए, मुसलमान बहुत नाखुश है। उसकी वजह बहुत सारी ये भी है कि हम भी समझते नहीं हमारे हक क्या है, हमको मालूम नहीं हमें क्या करना चाहिए। देखिए जिस तरह आप आज बैठे हैं, हमारी बात सुनते हैं, लेकिन वो जोश आपके अंदर नहीं है जो होना चाहिए, वो जज्बा आपके अंदर नहीं होना चाहिए। हम लोग आज देखिए हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है, तो हमारे बच्चे पढ़ते क्यों नहीं, उसकी वजह क्या है? बीएचपी, वीएचपी, आरएसएस, वो हमारे बच्चों को नहीं रोकती। ये हमारी कौम की कमजोरी है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं है। स्कूल खुलिए, भेजिए बच्चों को स्कूल के अंदर, लेकिन पढ़ाते नहीं। हमारे आज तमाम सहूलतें हैं, तो जब तक हमारी कौम अपने पांव पर खड़े होना नहीं सीखेगी, तब तक हमारी कौम की तरक्की नहीं हो सकती। लोग कहते हैं कि मुसलमानों के बारे में सुबह तोश, दोपहर गोश और रात को बेहोश, ये हमारी इमेज बन चुकी है, तो हमको इससे बाहर आना पड़ेगा। देखिए एक बड़ा प्यारा शेर है, जीना एक बड़ा प्यारा, अभी मुझे याद आएगा आपको बताऊंगा, बिल्कुल आज के माहौल में बिल्कुल सही है। जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम है तो लश्कर नहीं देखे जाते, सामने कौन है, क्या है ताकत उनकी, कितना पैसा उनके पास है, कितने लोग उनके साथ में है, उसको नहीं देखना। आपके बीच में ऐसे लोग मौजूद है जो चाहते हैं कि आपकी खिदमत करना, लेकिन इलेक्शन के वक्त में हमको चाहिए कि हमारा वोट पूरा के पूरा वोट गिरना चाहिए। आप देखिए कहीं भी जाइए हिंदुस्तान के अंदर, मुस्लिम वोट की परसेंटेज 20%, 30%, 40% होती है, उसके आगे हमारे वोट नहीं गिरते। तो जब तक आपको अपने वोट की अहमियत नहीं मालूम, तो उसका फायदा क्या होगा कौन को? एक दिन आपके हाथ में होता है कि उस दिन आपको सिलेक्ट करना होता है कि आपका आमदार कौन होगा, आपका खासदार कौन होगा, उसे हम आराम करते हैं, मजे करते हैं, वोट नहीं देते। तो बाद में रोए से मतलब क्या है? 5 साल किसी और के हाथ में पावर जाता है, किसी और की सरकार बनती है, किसी और की बातें चलती है, हमारी बात नहीं चलती। तो हमको ये करना पड़ेगा कि 2019 बहुत करीब है, बिल्कुल 7-8 महीने की बात है। 2019 के अंदर आपको बहुत सारे वोट देने पड़ेंगे, घर में घर का हर फर्द निकलेगा, और जहां तक हमारे उलमा दीन बैठे हैं उनसे मालूम कीजिए कि अगर इलेक्शन का दिन है और आपके घर में 5 वोट है, तो आप पर वाजिब है कि 5 वोट जाके वोट दे रहा है, और वाजिब पर अमल नहीं करना गुनाह होता है। अगर आपके पास वोट है और आपने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, या हमारी हमारे कौम के हमदर्द उसको वोट नहीं दिया, तो आपने वोट बीजेपी को दिया, इसका मतलब ये होता है जो वोट नहीं गया वो वोट गया बीजेपी को, तो आपने गुनाह किया और गहरा गुनाह किया। एक तो हमारे आदमी हराया और दूसरा उसको जिताया और पूरी कौम ने शुरू किया। आज आप लोग आराम से बैठे हो, हमारी बात का असर कितना होता है हमको मालूम नहीं है, लेकिन आने वाले असर हमको माफ नहीं करेगी। वो कहेगी कि आपका मौका था, एक ऐसा इंसान था वो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर जिसने हमारी कौम को शुरू किया, उसको हटाने का पूरा पूरा मौका आपको था, लेकिन उस वक्त गफलत में है, उस वक्त हम लोग आराम करते रहे, मौज मस्ती करते रहे, वोट नहीं दिया, इसके लिए फिर से मोदी छोड़कर आ गया।
मेरी बात आपको समझ में आ रही है ना कि मैं कितनी सीरियस बात कहता हूं कि आपका वोट बहुत कीमती है। अगर इलेक्शन में आपने अपना वोट का इस्तेमाल नहीं किया तो 5 साल पछताना, रोना, तड़पना और मातम करने का कोई मकसद नहीं है। तो आपको चाहिए कि अपने वोट की कीमत समझिए और सही आदमी को चुनिए। और सही आदमी वही होगा जो सिक्किमत पार्टी में काम करेगा, तमाम मजहब के लोगों को लेकर चलेगा, तमाम लोगों के साथ काम करेगा, वही सही आदमी होता है। जो नफरत फैलाता है, जो हमारे बीच में दीवार पैदा करता है, वो हमारा दुश्मन है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मैं खाली एक आखिरी रिक्वेस्ट करूंगा हमारी जो बहने बैठी है उनसे भी और आपसे भी कि आप लोग कम से कम हाथ धोकर इतना वादा कर दीजिए मुझे कि 2019 के इलेक्शन में आप लोग वोट देंगे। पहले तो वोट देने की बात कर रहा हूँ, देखिए अभी भी हाथ नहीं उठ रहे। अरे आपका हक है, आपको वोट देना चाहिए। और किसको वोट देंगे आप लोग, किसको वोट देंगे? पंजों को। आज बोलने का मजा बिल्कुल नहीं आ रहा क्योंकि आपके जैसे कोई जोश नहीं है ना, आपके अंदर हरकत नहीं है तो यहाँ बरकत नहीं हो रही, इसलिए मैं अपनी बात यही खत्म करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। उपस्थितांना खऱ्या अर्थाने मार्गदर्शन जनी केलं असे सदर पुरमायनचे अध्यक्ष मौलाना इब्राहिम कासमी यांनी या ठिकाणी केलेलं आहे। यानंतर ज्यांच्याशी आपण आतुरतेने वाट पाहतो, ज्यांचं मार्गदर्शन ऐकण्यासाठी आपण सर्वजण या ठिकाणी जमा झालो असे आमचे सन्माननीय मार्गदर्शक मौलाना आझाद विचार मंच संस्थापक अध्यक्ष तथा खासदार हुसेनभाई दलवाई यांना विनंती करतो की त्यांनी उपस्थित मान्यवरांना मार्गदर्शन करावं। بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله میں اتفاق سے شروع سے نہیں تھا لیکن ابھی جو تقریر سن رہا تھا اصل میں کسی پہ ٹیکہ کرنے کا عادی نہیں ہوں اور جو لوگ میرے سے قریب رہتے ہیں وہ مجھے جانتے ہیں کیونکہ میں خود کو ہر انسان سے زیادہ کمتر اور اپنے آپ کو سب سے نیچے سمجھتا ہوں تو کیسے میں اپنے سے بہتر پہ تنقید کر سکتا ہوں لیکن کچھ غم کے ٹکڑے ہوتے ہیں جنہیں شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں اور حقیقت بیان کرنا بھی ضروری ہے چونکہ میرے نام کے آگے مولانا لگتا ہے تو مجھے احتساب کرنا پڑتا ہے ایویلیشن کرنا پڑتا ہے اسیسمنٹ کرنا پڑتا ہے وشلیشن تجزیہ کرنا پڑتا ہے اور سچ کو سچ بولنا بھی پڑتا ہے اور جہاں پر اپنوں سے بھی کچھ کمی ہوتی ہے تو وہاں آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے اب وقت آ گیا ہے کچھ چیزیں بہت درد کی ہیں ہمارے یہاں جو سیاسی حضرات بیٹھے ہیں اگر میں امت کا درد آپ کو سنانے لگوں تو سمجھ میں آئے گا کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں حقیقت بہت دور جا چکی ہے کیوں آج ہم ان حالات کو جھوجھ رہے ہیں ہم نے کئی غلطی کی ہے اور سیاسی شعور جس کو کہتے ہیں سینس آف پولیٹکس وی ہیو لاسٹ دیٹ اس لیے مجھے بات زیادہ نہیں کرنا ہے تین باتیں اس وقت بہت اہمیت کی ہیں سب میں پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے جو ہے نا 30-40% لوگ ایسے ہیں جن کا ابھی تک نام ہی نام نہیں ہے رجسٹریشن ہی نہیں ہوا ہے سب میں پہلے آپ لوگ یہ کیجئے اپنے اوپر رحم کھائیے ہم لوگ پارٹی کا ڈسکشن بعد میں کریں گے پہلے اس بات کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایک اپنے نام کا رجسٹریشن کراؤ 100% رجسٹریشن پہلا اپنا فرسٹ فیز تین فیز ہیں پہلا فیز 100% رجسٹریشن وہ آپ سیریسلی کرا لو فیز نمبر 2 100% پولنگ کرنے کا 100% ووٹ ڈالنا بھی ضروری ہے ہمارا 50% طبقے کو یہی نہیں پتا رہتا ہے کہ ووٹنگ کا دن ہے آج اس میں بھی سیریس فیز نمبر 3 ہے وقت نہیں ہے کہ میں آپ سے بات کروں لیکن ایک وقت ضروری ہے کہ ہم لوگ بیٹھیں اور اس میں ڈسکشن کریں اس مرتبہ سیکولر طاقتوں کو آپسی اتحاد کرنا اور آپسی جوڑ بے حد ضروری ہے اب کھیل ہمارا بند ہونا چاہیے اور ہم قوم کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ ہو کہ آج میں کیا کروں بات چھیڑنا نہیں چاہ رہا ہوں لیکن بات کی طرف اشارہ بھی تو ضروری ہے اس لیے کہ وقت بھی نہیں ہے
लेकिन बहुत सीरियसली हमारे जो है ना सियासी लोगों से हम यानी हमारी दरख्वास्तें भी क्या हैं, बल्कि हम उनसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि कौम आपकी तरफ देखती है एक नुमाइंदे के तौर पर, लेकिन आप उनके उम्मीदों पर उतर नहीं रहे हैं। ये बात थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन उसे लेना पड़ेगा, इसलिए कि डॉक्टर की कड़वी दवा में भी शिफा होती है। तो इसलिए ज़रूरत है कि सीरियसली प्लान हो, और ये जो हालात हम जूझ रहे हैं उन हालात से हमें निजात मिले, उसके लिए सीरियसली संजीदगी के साथ सेकुलर ताकतों को आपसी जोड़ पैदा करना होगा, और हमारे वोट जो तकसीम होते हैं, इसलिए आप हजरात की तरफ भी मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी भी जिम्मेदारी है कि अपने वोटों को औने पौने दाम में बेचना, या अभी जैसे एक बात आई थी कि वोट एक गवाही है, गवाही का मतलब होता है कि मैं जिसे वोट डाल रहा हूँ गवाही दे रहा हूँ कि यह आदमी ठीक है मेरा तर्जुमान बनने के लिए। अगर मैं गलत वोट देता हूँ या गलत आदमी को वोट देता हूँ तो मैंने खयानत की पूरी कौम के साथ, झूठी गवाही दी, और झूठी गवाही देना बड़े गुनाहों में शामिल है। तो बहरहाल बातें जो है ना, मैं अपनी बात को बस वक्त से ज़्यादा मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। एक चीज़ तो आपसे है कि 100% रजिस्ट्रेशन कराओ, दूसरे फेज़ में यह है कि 100% पोलिंग करो, फिर जो है तीसरा जो मरहला है वो बाद की बात है। और हमारे यहाँ जो जिम्मेदारान हैं, एक बात मैं बहुत दर्द के साथ ये भी आपसे कहना चाहूँगा कि आप यानी मतलब जिस वक्त हमारे लीडरान आज़ादी के बाद थे वो कौम को पूरी तरह से समझते थे, कौम का दर्द रखते थे, उस वजह से आज वो हमारे यहाँ ज़िंदा हैं और हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। बहरहाल बात शायद मैंने रख ही नहीं सका, लेकिन ये बोलने का मौका दिया, इसका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जज़ाकअल्लाह। कार्यक्रम से अध्यक्ष मुफ्ती अमजद अली काजी साहब इथे उपस्थित असलेले, त्यांचा आपण सत्कार केला आणि नवीनच त्यांची विधान परिषदेवर निवड झालेली आहे, ते आमदार वजाहत मिर्झा साहेब मुंबईमध्ये सातत्यानं मुस्लिम प्रश्नावर एकंदर राजकारणावर सतत क्रियाशील असलेले माजी आमदार युसुफ अब्रानी साहेब, मौलाना इब्राहिम कासमी साहेब, शौकत पठाण साहेब, याच्यावर मंचावर उपस्थित असलेले सर्व नेतेगण, नगरसेवक नगरसेविका आणि उपस्थित असलेली माझ्या बहिणींनो भावांनो, अतिशय थोड्या वेळात हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला आहे आणि याचं खरं कारण असं आहे की आज जरा शांती, आज BJP सरकार आल्यापासून मुस्लिम समाजाला सातत्यानं टार्गेट करण्यात येते, तुम्ही काय खाताय, कसे राहताय, टोपी घातलीत की नाही घातलीत, तुमची दाढी वाढलेली की नाही वाढलेली आहे, तुमच्या मशिदीतली अजान किती जोरात होते आहे, छोटे छोटे प्रश्न उपस्थित करून समाजाला एका अर्थाने टार्गेट करण्यात येते। इथे हिंदू आणि मुसलमान काहीही झगडा नाही आहे, वर्षानुवर्ष इथे हिंदू मुसलमान एकत्र राहतात, पाकिस्तान झाल्यानंतर सुद्धा आम्ही इथे राहिलेलो आहोत, स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये सुद्धा आम्ही भाग घेतलेला आहे, आम्ही जेलमध्ये गेलेलो आहोत,
परंतु या देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्याशी काही ज्यांचा संबंध नाही, त्यावेळेला ब्रिटिशांना मदत करणारी मंडळी आज जी सत्तेवर बसलेली आहे ती तुमच्या आणि माझ्यामुळे बसलेली आहे. आमच्या काही चुका आहेत. आता मुफ्ती साहेबांनी मौलाना साहेबांनी फार चांगलं सांगितलं की आम्ही आमच्या मतांचं रजिस्ट्रेशनच करत नाही. सोलापुरात काय होतं मला माहिती नाही, पण मुंबईमध्ये सर्रास असं होतं. दोन कारण आहेत. आम्ही स्वतः त्याच्याबद्दल सजग नसतो आणि ज्या वेळेला मतनोंदणी करण्यासाठी म्हणून काही मंडळ येते, सरकारी अधिकारी सरकारी नोकर, ते मुस्लिम वर्षात जातच नाही. किंवा जर कुणाच्या घरात येत असतील तर पहिलं जो समाज कुटुंबाचा प्रमुख असेल त्याचं नाव लिहितो, बाकीच्या लोकांचं नावच लिहित नाही. परंतु हे आपल्याला पाहिलं पाहिजे, 30 सप्टेंबर पर्यंत मुदत आहे आपल्याला. या मुलांना जरा गप्प करा ना. 30 सप्टेंबर पर्यंत आपल्याला मुदत आहे आणि कार्यकर्त्यांनी पाहिलं पाहिजे मुस्लिम समाजाच्या की आपल्या लोकांचं मतदान रजिस्टर केलेलं आहे की नाही. तुमच्या माहितीसाठी सांगतो, 40% मुस्लिमांचं मतदान रजिस्टरच नसतं. हे जेव्हा कर्नाटकातल्या काही लोकांना कळलं त्यावेळेला त्यांनी एक मोहीम काढली, मोठ्या प्रमाणात रजिस्ट्रेशन करून घेतलं. यासाठी आधुनिक जी यंत्रणा आहे, टेक्नॉलॉजी आहे, त्याचाही त्यांनी वापर केला. त्या संबंधामध्ये आम्ही काही जागृती निर्माणही करत आहोत. अबू साले शरीफ जे सचर कमिटीचे सेक्रेटरी होते ते या संबंधात त्यांची टीम फार मोठ्या प्रमाणात काम करते. आम्ही मुंबईला काही लोकांची मीटिंगही घेतली होती. कर्नाटकामध्ये असं झालं की जेव्हा ही गोष्ट लक्षात आली त्यावेळेला मोठ्या प्रमाणामध्ये मुसलमानांचं रजिस्ट्रेशन करण्यात आलं. मला तिथे निवडून आलेले बेल नावाचे आमदार आहेत, ते स्पष्टपणे मला म्हणाले दिल्लीला आलेले असताना की हुसेनभाई मैं चुनके आया क्योंकि मेरे होटल्स का रजिस्ट्रेशन कुछ लोगों ने किया, हम लोगों ने बड़ी मेहनत की, इसलिए मैं चुनके आया, नहीं तो मैं चुनके आ नहीं सकता था. क्या आपल्याला करायला पाहिजे की नाही सांगा ना, जरा जोरात बोला. ये हमने करना चाहिए की नहीं बोलिए. और महिलाओं का रजिस्ट्रेशन बहुत कम होता है, ध्यान में रखिए. मुझे खुशी है कि ये मीटिंग में आप मेरी बहनें बड़े पैमाने पे आई हैं, क्योंकि अभी उनको भी इनपुट दिया गया है. पूरे देश में 30-40 लाख महिलाएं अभी लीडरशिप में आई हैं, नगर सेविका बनती है, जिला परिषद में चुनके आती है, पंचायत समिति में चुनके आती है, ग्राम पंचायत में चुनके आती है, ग्राम पंचायत की सरपंच भी बनती है. मेरी एक भाभी सरपंच है हमारे गांव में, बहुत अच्छा काम करती है. तो हमारे महिलाओं को भी साथ में लेने का काम करना पड़ेगा, उनको बाजू रख के नहीं चलेगा. ये कोई सवाल है, इसके ऊपर आप गौर करो, इतना ही मैं कहूंगा. दूसरी बात ऐसी है कि मुसलमान शिक्षा में बहुत ही पिछड़ा हुआ है. एससीसी तक जाने वाले भी कम हैं. बीच में ड्रॉप आउट का प्रमाण कोई भी समाज से मुस्लिम समाज का ज्यादा है. आखिर तक
ग्रेजुएशन तक जाने वाले मुसलमानों का प्रमाण तो बहुत ही कम है, इसमें भी बेदारी लाना बहुत जरूरी है। हमें अगर मैं मेरे बच्चों को पढ़ाता हूं और बाजू का मेरा पड़ोसी गरीब है इसलिए उनका बच्चा पढ़ता नहीं हुआ, तो ये जिम्मेदारी भी मेरी है, ऐसा समझ के हम लोगों ने उसको पढ़ाने का काम करना चाहिए। मुझे लगा तालियां बजाएंगे। एक बात बोलता हूं आपको, ब्राह्मण समाज इतना आगे गया, कितना ब्राह्मण समाज महाराष्ट्र में मालूम है आपको? 3-3.5% है। आज मुख्यमंत्री ब्राह्मण है, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा, और एक दो ब्राह्मण मंत्री हैं दिल्ली में, महाराष्ट्र के 3 ब्राह्मण मंत्री हैं। क्यों? तादाद से कुछ नहीं होता, हमारी तादाद 11.5% है, लेकिन तादाद से कुछ नहीं होता, अकल से अकल के में इस्तेमाल करना पड़ता है। हम लोगों ने तय करना चाहिए। बड़ा दुख है प्रणीति दया वाले ले तारी तक स्वागत करा, आता तेरी महिला ने चाहता है आ ये चाय लेबर वगैरह म्हणजे ज्या वयामध्ये त्यांनी शिकायचं, ज्या वयामध्ये त्यांनी खेळायचं, ज्या वयामध्ये त्यांनी वाचन करायचं, ज्या वयामध्ये त्यांनी बागडायचं, त्या वयात त्यांना काम करावं लागतंय। 38% मुलं, हा रिपोर्ट जेव्हा वाचला तेव्हा मला फार शरम वाटली। कुठल्या समाजाची मुलं एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये चाइल्ड लेबर मध्ये नाही आहेत? आपली का आहोत याचा जरूर आपण विचार केला पाहिजे। 5% मुलं मद्रसामध्ये जातात, मॉडेल एज्युकेशन घेत नाहीत। माझा मद्रसांना विरोध नाही, पण मद्रसांमध्ये मॉडेल शिक्षण पण दिलं पाहिजे। आणि आणखी एक तुम्हाला सांगतो, इसके बाद मुफ्ती साहब हम लोगों ने करना चाहिए क्रिश्चियनों जैसा, हमारी मस्जिद और स्कूल साथ साथ में होनी चाहिए, और कोटन में ऐसे कुछ स्कूलें हम लोगों ने चालू किए हैं कि अरबी शिक्षा भी वहां देते हैं और मॉडर्न एजुकेशन भी कर करते हैं, साइंस भी पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं, अंग्रेजी भी पढ़ाते हैं। ये होना बहुत जरूरी है। क्रिश्चनांच्या शाळांमध्ये चर्च बाजूला असेल, शाळा पण असते ना, ती मुलं पण शिकतात, आमची मुलांनी पण शिकलं पाहिजे। आणि याच्यामध्ये कुठल्याही उलेमाचा विरोध नाही, लक्षात घ्या। बऱ्याच वेळेला काही लोक उगाच मौलानांच्या विरोधात बोलतात, मौलाना जितना काम करते उतना कोई भी सियासती आदमी काम नहीं करता। आज समाज में जो भी बेदारी है वो उनकी वजह से, मैं कभी भी उनके खिलाफ नहीं बोलता। मैं एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस मुफ्ती साहब लिया मुंबई में, 2 दिन की एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, मुझे बहुत सारे लोग बोले कि मुशायरा करने की बजाय एक एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस क्या ले रहे हो। 2 दिन की एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, 3,500 लोग आए थे, उसका प्रचार करने के लिए मैं घूम रहा था तो एक मदरसा के मौलाना मुझे बोले कि मैंने मदरसा भी चलाता हूं और साथ साथ एक अंग्रेजी स्कूल भी चलाता हूं।
मुझे बड़ा पहले ताजुब लगा, लेकिन ये बहुत जगह हो रहा है, ध्यान में रखिए। तो अभी हम लोगों ने तय करना चाहिए कि एजुकेशन के सिवा कुछ नहीं होगा। मैं एक ब्राह्मण के घर खाना खाने के लिए गया था और चार गालियां उनको दे रहा था कि ब्राह्मण ऐसे वैसे। तो वो बोला, ये धनवर साहब एक बात ध्यान में रखिए, हमारे ऊपर भी अन्याय हुआ गांधी जी का खून जब हुआ तब। हम लोग शहरों में आए और हर औरत और मर्द, बाप और मां 25 साल एक ही काम करती है, अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। आप पढ़ाइए ना, मुझे उनको चैलेंज किया। हम लोगों ने क्या कहा है कि आप आपके बच्चों को मत पढ़ाइए, हम पढ़ाते। आज आप अमेरिका में जाएंगे, सिलिकॉन वैली में एक पत्थर उठाएंगे और मारेंगे तो करवे बरवे केकर केकर बसाते माटी को लगता है। इतने बड़े पैमाने पर उन्होंने शिक्षा ली है। वो कुछ रिजर्वेशन वगैरह भी मांगते नहीं, वो हिम्मत से काम करते हैं। आप मंत्रालय में जाइए, सिक्योरिटी स्कूल होते देखिए, थोड़े से दलित समाज के होते ये इसका रिजर्वेशन की वजह से, बाकी सब वही होते। तो वो हमने भी करना चाहिए। और एक बात कहता हूं कि ब्राह्मण इतना पढ़ता है सीखता है कैसा, क्योंकि उसके बच्चे सुबह सुबह पोथी पढ़ते हैं, उसका ब्रेन तैयार होता है। लेकिन हमारे भी बच्चा सुबह सुबह कुरान शरीफ पढ़ता है। मुसलमान अकल में कम नहीं है, मुसलमान अकल में बहुत आगे है और अल्लाह ताला ने उसके उंगलियों में जादू दिया है, वो कुछ भी कर लेता है। मेहनत करने वाला करना करना ये तो उसके इतना कोई करता भी नहीं, लेकिन हमारी सारी लीडरशिप है वो ठीक ढंग से उनको मार्गदर्शन नहीं करती। गलती हमारी है, समाज की गलती नहीं है। समाज बेचारा गरीब है, गुर्बत भी मुसलमानों में कितनी है, सबसे ज्यादा गुर्बत है, सबसे ज्यादा गुर्बत मुसलमानों में है। इसमें गवर्नमेंट सर्विस में मुसलमान कितने हैं, 3%। मैं कई सालों से मैं ये बात करता हूं, गोपाल सिंह कमीशन का एक रिपोर्ट आया, वो हमारे हाथ में कभी आया नहीं, लेकिन जकरिया साहब ने बुक लिखी, उसमें उन्होंने एक चैप्टर उसके ऊपर लिखा क्योंकि वो उसके सेक्रेटरी थे, उसमें सारी बातें आई हैं। तब से ये बात हम कर रहे हैं 30 साल से कि मुसलमान गवर्नमेंट में 3% है। आज भी वही हालत है, मुसलमान उतना ही है। क्यों है इसका हम सोच विचार करना बहुत जरूरी है। रेगुलर फॉर्मल संगठित उद्योग बोलते हैं जिसको, संगठित उद्योग में मुसलमानों की तादाद क्या है, सबसे कम है। यानी बड़े बड़े कंपनी में मुसलमान कितने हैं आप देखिए, सबसे कम है। मुसलमानों की सबसे ज्यादा तादाद अगर कहां है तो इनफॉर्मल सेक्टर में। इनफॉर्मल सेक्टर यानी क्या, केले बेचो, टायर में हवा भरो, टीवी दुरुस्त करो, इसमें मुसलमान बड़े पैमाने पे। उसमें भी ये बात है कि उसमें जितना पगार
नॉन मुस्लिमों को मिलता है उतना मुसलमानों को मिलता नहीं, 100 रुपया का फर्क होता है। ये हमारे हालात है। ये सरकार तो हमेशा हमारे ऊपर नाइंसाफी करती है, लेकिन हमें हमने भी कुछ करना चाहिए ना, हमारी भी ताकत हम लोगों ने लगानी चाहिए ना, कि हम वही के वही रहेंगे, क्यों ना मेरी बेटी बड़ी साइंटिस्ट बने, क्यों ना वो अच्छी इंजीनियर बने, क्यों ना वो अच्छी डॉक्टर बने, क्यों ना वो अच्छी प्रोफेसर बने, क्यों ना बने। ये हर घर में औरत पड़ेगी, अगर बेटी पड़ेगी तो पूरा समाज पड़ेगा, ये भी ध्यान में रखिए। अभी ये हम लोगों ने करना चाहिए। और इस्लाम में ये नहीं कहा कि मर्दों ने पढ़ना चाहिए, औरतों ने पढ़ना नहीं चाहिए, ऐसा इस्लाम ने नहीं कहा है। हालांकि पहले पढ़ने के लिए पहली औरत ही थी, ध्यान में रखना। वहां से हुक्म आया, उसने ये नहीं कहा, उसने ये नहीं कहा था कि खाली मर्दों ने पढ़ना चाहिए, लेकिन हम हमारी औरतों को पढ़ाते हैं। आपको मैं पूछता हूं, आपका बेटा स्कूल से आता है, उसको आप चाय बना के देते हैं, देते हैं ना, लेकिन बेटी स्कूल से आती है उसको चाय बना, उसको चाय बना के नहीं देते। हालांकि भाई को चाय बनाने के लिए बेटी को कहते हैं, बेटी बोले छोटी होने दो, ओ भाई को चाय बना के दे देना, उसको नाश्ता दे देना, जरा आदत डालिए, बचपन से डालेंगे तो आगे जाके वो करेगा। क्योंकि अभी सब बदल रहा है, अभी किचन खाली औरतों का नहीं रहा है, बरोबर है ना, टाइम ना माइती है, अतः औरत तो दोनों का काम है वो, क्योंकि दोनों कमाने वाले रहते हैं, दोनों पढ़े लिखे रहते हैं, तो दोनों का एक काम है, ये ध्यान में रखना। इसलिए आपके बेटे को ये पहले से बचपन से आदत डालना कि थोड़ा बहुत किचन में भी सीख, और ऐसी कोई बात नहीं कि अच्छा खाना ये मर्द बनाता नहीं, बड़े बड़े पार्टियां होती है वहां मर्द ही अच्छा खाना पकाता है। तो ये सारी बातें हैं। इसके लिए अभी रिजर्वेशन की बात चली है, रिजर्वेशन मराठाओं का मिलना चाहिए, ये हमारी भूमिका है। हर जगह जहां जहां मराठा समाज ने मोर्चे निकाले, हमारे समाज ने उसका ताउन किया, उनको पानी पिलाया, उनको चाय पिलाई, कहां कहां नाश्ता दिया, शरबत पिलाई, उनका स्वागत किया, किया ना, किया कि नहीं, किया कि नहीं, किया। और मैं आपको बोलता हूं, आज उस्मानाबाद में रिजर्वेशन के बारे में कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें मराठा समाज के लोग आए थे और उन्होंने कहा कि मुसलमानांना सुद्धा रिजर्वेशन मिळाले पाहिजे, यासाठी आम्ही तुमच्या बरोबर आहोत। हे आपण जे केलं त्याची फळं आपल्याला मिळतात। जेव्हा ही सगळी केस जेव्हा गेली कोर्टामध्ये हायकोर्टात, हायकोर्ट काय म्हणाले लक्षात घ्या, हायकोर्टाने ते मान्य केलं नाही, पण हायकोर्टाने एक गोष्ट मान्य केली कि मुस्लिम समाज हा शिक्षणात मागे सगळ्यात मागे राहिलेला आहे, मुस्लिम समाजाला शिक्षण देण्याच्या संबंधामध्ये सरकार पावलं उचलू शकतं, सरकार शिक्षण त्याला देऊ शकतं। ऐसा झाला नदा, परंतु हे सरकार जे आलेलं आहे त्यांनी त्या संबंधामध्ये जो अध्यादेश आलेला होता तो रद्दबातल करून घेतला, तो ठेवलाच नाही, त्याच्यावर जो कायदा बनायला होता तो कायदा बनला नाही। म्हणून आमची ही डिमांड आहे की अभी हम पीछे में रहेंगे, पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, ये हमारा नारा है। और इसलिए रिजर्वेशन के लिए अगर लड़ना है तो रिजर्वेशन के लिए लड़ेंगे, पढ़ाई के लिए लड़ना है तो पढ़ाई के लिए लड़ेंगे, कैसे भी रहेंगे गरीबी रहेंगे,
आधी रोटी खाएंगे लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे, ये हमारा मकसद होना चाहिए। ये होगा, ये हम लोगों ने करना चाहिए। पश्चिम महाराष्ट्र में वैसी हालात अच्छी है, मराठवाड़ा में सबसे खराब है। आज इतनी औरतें यहाँ आई है, मुझे बड़ी खुशी हुई। उसमें मेरी भाभी है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, मेरी माँ है। वहाँ इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, वही एक औरत थी खाली, बाकी दो चार गैर मुस्लिम औरतें थी। इसका मतलब यह है कि पश्चिम महाराष्ट्र का वातावरण अच्छा है। अच्छा हुआ आप मराठवाड़ा में पैदा नहीं हुए, यहाँ पैदा हुए। तालियां बजाओ, बहुत बड़ी बात है। और ये लेके हम आगे जाना चाहिए, इतना ही मैं कहूँगा। प्रणीति मैडम अभी आई हैं, तुमच्या बद्दल फार ऐकतो आम्ही, फार चांगलं काम करता, लोकांना भेटता, सुशील कुमार पेक्षा दोन पावलं पुढे आहात असं मी ऐकलं, मला फार आनंद झाला। कारण सुशील कुमार जी म्हणजे महाराष्ट्राचं वैभव आहे। सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला मदत करण्याची त्यांची दानत नेहमी राहिलेली आहे। मृदू स्वभावाचे आहेत ते। एकदा एज्युकेशन मिनिस्टर असताना आम्ही त्यांना घेराव घातला होता, 3 तास ते आमच्या बरोबर बसून राहिले, काही बोलले नाही। तुम्हाला जे बोलायचं ते बोला, अशा स्वभावाचे आहेत। आणि त्यांचा स्वभाव गोड असल्याने आणि निष्ठा असल्याने ते इतकी मोठी मोठी पदं त्यांनी सांभाळलेली आहेत। आणि त्यांची मुलगी त्याचप्रमाणे त्यांच्यासारखी पावलावर पाऊल टाकून पुढे जाईल अशी मी ईश्वराकडे प्रार्थना करते आणि करतो। आणि माझे 2 शब्द संपवतो, जय हिंद जय भारत। धन्यवाद दलवाई साहब, आपण या ठिकाणी मोलाचं मार्गदर्शन केलं, खोलात जाऊन आपण या ठिकाणी उपस्थितांना मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद। यानंतर या भागाचे आमदार, सन्माननीय या भागाचे आमदार प्रणितभाई शिंदे यांचं या ठिकाणी सन्मान व स्वागत करण्यासाठी मी या भागाच्या विद्यमान नगरसेविका फिरदोस पटेल यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं स्वागत व सन्मान करावं। आताच या ठिकाणी अल्पसंख्यक सेलचे काँग्रेस सेलचे अध्यक्ष सन्माननीय नूतन नगरसेवक टोपेजी हत्तुरे यांचं या ठिकाणी आगमन झालं, त्यांचं या ठिकाणी सर स्वागत। या ठिकाणी सन्माननीय टोपेजी हत्तुरे यांचं या ठिकाणी सन्मान होत आहे। मी शोकभाई पटेल यांना विनंती करतो, त्यांनी त्यांचं सन्मान करावं। यानंतर मौलाना वाढीसाठी काही लोकांची आपण या ठिकाणी निवडी करत आहोत, त्यासाठी मी काही आमंत्रित लोकांना विनंती करतो, त्यांनी ताबडतोब या ठिकाणी यायचं आहे। मलिक शेख बारसीवाले यांनी ताबडतोब समोर यायचं आहे, त्यांची बारसी शहर अध्यक्षपद त्यांची या ठिकाणी निवड करण्यात आलेली आहे। सोबतच हिना अबुल रहमान बागवान यांनाही विनंती आहे की त्यांनी ताबडतोब मंचाकडे यायचं आहे, त्यांची माळा तालुका महिला अध्यक्षपदी निवड करण्यात येत आहे। सोबतच सजील शेख अकलूज शहर अध्यक्षपद त्यांची निवड झालेली आहे, त्यांनी समोर यायचं आहे। उर्बाबी पठाण पंढरपूर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना आजाद विचार मंच इस तंजीम की जानिब से आज मुसलमानों के बिलखसूस अल्पसंख्यकों के तहफ़ुज़ात और अवकाफ़ के मसाइल पर, रिजर्वेशन्स पर और वक्फ की इलाकों के ताल्लुक से और असर हाजिर में हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज इस महफिल का मकाम अमीन आया। शहनशीन पर जलवागर काबिल एहतराम राज्यसभा के काजदार जलवाई साहब, साथ ही
जिन्हें थे उलमाए हिंद सोलापुर के सदर मोहतरम मौलाना इब्राहिम जहूरकर साहब, लोकप्रिय आमदार पंडित जी शिंदे, मुंबई से आए हुए आमदार यूसुफ अब्राहिम साहब, बड़े उम्मीदों के साथ जिन पे जिम्मेदारी डाली गई विधान परिषद की ओर से, डॉक्टर वजाहत मिर्जा साहब, इस तंजीम के सदर शौकत पठान साहब और शह नशीन पर जला बगर सभी इस तंजीम के जिम्मेदारान, पदाधिकारी, अराकीन और यहाँ पर तशरीफ फरमा सभी मोजस मर्द ख़वातीन, ये अल्लाह का बड़ा करम है कि आज इस हसास और नहायत अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए, तबादले ख्याल करने के लिए और अपनी जिम्मेदारियों को समझने और समझाने के लिए यहाँ पर इस जलसे को कॉल किया गया और सभी के साथ मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि पठान साहब और नगर सेविका फिरदौसी की बड़ी खिदमत है कि इतनी तादाद में उन्होंने औरतों को यहाँ पर जमा किया है। अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। वक्त की काफ़ी किल्लत है, जलवाई साहब को 10 बजे की ट्रेन से जाना है और मैं इस इंतज़ार में था कि बेबाक और नहायत कम उम्र डॉक्टर मिर्जा साहब से और मज़ीद गुफ्तगू सुनने मिलेगी, लेकिन उन्हें काफ़ी कम वक्त मिला, लेकिन दलवाई साहब ने उसकी कमी पूरी की। बड़े संजीदगी के साथ और बड़े मिजाह और दिलगी के अंदाज में, ताकि लोग सुने भी मुतमईन भी रहें, मुसलमानों के बुनियादी सवालात को उन्होंने उठाया। इसमें एक बात ये भी कहना चाहूँगा, पहले अपील कर दूँ जो बड़ी अहम है, शायद कि मैं बाद में भूल जाऊं, यहाँ पर हमारे शोलापुर के सियासी क़ियादत है, मुस्लिम नगर सेवक और नगर सेविकाएं हैं, लोकप्रिय आमदार भी हैं, जो मुद्दा बार बार उठाया गया कि सबसे पहले वोटिंग लिस्ट में अपने नामों का इंदिराज कराएं, अपने बिलखसूस घर की जो औरतें हैं इनके नाम रजिस्टर्ड कराएं वोटिंग लिस्ट में, ये बहुत बड़ी हमारी जिम्मेदारी है और बहुत अहम है, क्योंकि आइंदा जो आने वाला इलेक्शन है, यहाँ हम फिरकों, जमातों, जमीयतों, सियासी ग्रोहों से और पार्टियों से उठकर अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर मंथन और गुफ्तगू करने के लिए आए हैं, तो बगैर किसी सियासी तफरके और अख्तलाफात के सभी लोगों से ये गुजारिश है, जो शहनशीन पर जो मुकामी क़ियादत है हमारी, वो इसकी तरफ तवज्जो दे, हर इलाके में जहाँ जहाँ अल्पसंख्यक हैं, बिलखसूस औरतों के इंदिराज बहुत कम नहीं के बराबर हैं, तो इसे पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप आगे बढ़ें। हमसे अगर आप कोई खिदमत चाहते हैं, यकीनन हम कमिटेड हैं कौम के लिए, आत्मसमर्पित हैं, आप हिम्मत से कदम उठाएं और लोगों में बेदारी पैदा करना और लोगों तक इस बात को पहुंचाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और दलवाई साहब से मैं यही तवज्जो चाहूँगा कि एजुकेशन पर जो आपने जोर दिया है, आपको ताज्जुब होगा, शायद ही आपने सुना होगा, पिछले कमों बेश 10 सालों से और बैठा हुआ यहाँ से हर एक फर्द इस बात पर शाहिद और गवाह है कि ईदगाह के मैदान से जो आलमगीर ईदगाह हुडगी रोड है या फिर शाही आलमगीर ईदगाह पांगल हाई स्कूल है, इन दोनों ईदगाहों में जिम्मेदारी है हमारे खानदान की। पर हुडगी रोड ईदगाह का जो शोलापुर का सबसे बड़ा ईदगाह अल्हम्दुलिल्लाह जाना जाता है और लोगों को बड़ी मोहब्बत और वाबस्तगी है वहाँ से, पिछले 10 सालों से हर एक ईद पर मुसलसल मैंने तालीम पर जोर दिया, मुसलसल तालीम पर जोर दिया, यहाँ तक कि हर ईद के बयान में आप अंदाज़ा कीजिएगा इस बात पर कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वक्त मैं देता हूँ
قرآن کی آیتوں اور احادیث پر تفسیرہ و تفصیل کے ساتھ اسے کم وقت دیتے ہوئے لوگوں کو اس بات پر ترغیب اور ترہیب دلانے کے لیے، انہیں موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ آج کے دور میں تعلیم ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کتنی دفعہ اسے دہراتا ہوں، میں کتنی بار اس پر زور دیتا ہوں، میں کتنا اس پر زور لگاتا ہوں، کتنا وقت اسے عید کے میدان میں، عیدگاہ کے میدان میں ہم اسے دیتے ہیں، کبھی کبھی ایسا لگتا بھی ہے، لیکن پھر ایک فکر آتی ہے، ایک درد، ایک تکلیف دل میں محسوس ہوتی ہے کہ جب تک ہم مکمل طور سے تعلیم یافتہ نہیں ہو جائیں گے، ہم مکمل طور سے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم سے ہمکنار نہیں کریں گے، جب تک ہماری بیٹیاں اور ہمارے بیٹوں میں جو فرق ہے وہ فرق گھٹے گا نہیں، اور دونوں ایک ساتھ ایک بازو ایک پہیہ بن کر تعلیم اور تربیت کے ساتھ، تعلیم اور تربیت اور حیا کے ساتھ جب تک ہم اپنے قوم کو، اپنے ملت کو، اپنے سماج کو لے کر آگے نہیں بڑھیں گے، ہمارے بچے جب تک تعلیم کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ نہیں کریں گے، یقیناً یہ دنیا، یہ زمانہ ہمیں جینے نہیں دے گا، اور مسلمانوں یاد رکھو خدا تمہیں مٹنے نہیں دے گا۔ آج کی باطل و طاغوتی شیطانی طاقتیں تمہیں مٹانا چاہتی ہے، یہ مٹانے کے در پر ہے، اور خدا تمہیں بچانے کے در پر ہے، اور وہ کبھی تمہیں مٹنے نہیں دے گا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم میں سنجیدگی اور سمجھداری پیدا ہوتی ہے، اگر تم میں باہمی سوجھ بوجھ اور سمجھ پیدا ہوتی ہے، اگر تم اپنے بچوں کو تعلیم سے ہمکنار کر سکتے ہو، تو یقیناً جان لو قیادت اور سیادت آپ کا مقدر ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے اندر بیداری پیدا کرنی ہوگی۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، بہت کم وہ موقع ملتا ہے کہ ان سے مخاطب ہونے کی ہمیں سعادت ملتی ہے۔ عزیزان محترم، وقت کی قلت ہے، بس اتنا میں عرض کرنا چاہوں گا اور اپنے دل کے درد کو کچھ مختصر انداز میں پیش کر کے اپنے گفتگو کو میں سمیٹنا چاہوں گا، کیونکہ وقت مجھے اس بات کی اجازت مرحمت نہیں کرتا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، اور وہی میں اپنا درد اسی انداز میں پیش کرتا ہوں، علامہ اقبال نے بڑے درد بھرے انداز میں کہا تھا کہ ہے بجا شیوا تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہے فریاد سے معمور ہیں ہم، نالا آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہے ہم، قصے ارباب وفا بھی سن لو، شکوے ارباب وفا بھی سن لو، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لو، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لو۔ آج میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ آج خطا ہوئی ہے، کمیاں غفلتیں ہمارے اندر رہی ہیں، یقیناً یہی کوتاہیاں اور غفلتیں ہیں کہ آج جو کمیٹیوں کا نام بارہا لیا جاتا ہے، سچر کمیٹی ہو، مشرا کمیشن ہو، محمود الرحمان ہو، وغیرہ وغیرہ بہت ساری کمیٹیوں کی رپورٹس ہیں، آئینے دار ہیں، کہ ہمارا مسلم طبقے کا جو تعلیمی ریشو ہے، معیار ہے، وہ گریجویشن سے اوپر جب پوسٹ گریجویشن میں جاتا ہے تو 2% رہ جاتا ہے، اور اعلیٰ تعلیم کی اگر ریشو کو دیکھیں تو 0.0 میں، 0.05 میں، 0.07 میں یہ ریشو پہنچتا ہے۔ آج اس بات پر ہمیں منتھن اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنا محاسبہ، اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہماری الپ سنکھیکوں کی یہ حالت، یہ خستہ حالی، یہ تعلیمی پسماندگی کی وجہ کیا ہے، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑی بے باکی اور بڑی معذرت کے ساتھ میں 3 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، خطا ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، اور غلطی کس سے ہوئی ہے اس پر غور کریں، اور ہر ایک اپنے اپنے اندازے سے اس بات پر اپنے آپ کا محاسبہ کرے اور اپنی اصلاح کرے۔ میں اپنی اصلاح کروں، شہنشین پر جلوہ گر قیادتیں اپنی اصلاح کریں، اور آپ عوام میں بیٹھے ہوئے حضرات اپنی اصلاح کریں۔ یقیناً یہ جو کمیٹیوں کے رپورٹس ہیں، یہ ہماری جو تکالیف ہے اس کا آئینے دار ہے، ہماری ناکامیوں کی آئینے دار ہے، یہ جو نتائج ہیں، یہ جو رپورٹس ہیں ان کمیٹیوں کے، یہ ہماری ناکامی کے یہ ایک نتائج اور آئینے دار ہیں۔ یاد رکھیے، غلطی ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے، کہاں کس سے ہوئی ہے اس پر غور کریں۔ خطا یا تو ہم سے ہوئی ہے، یعنی ہم میں عوام ہے، کیونکہ میں عوام کا ہی ایک فرد ہوں، ایک ناقص فرد ہوں، ایک ادنا فرد ہوں، اور میری ذمہ داری ہے کہ آپ کے دلوں میں جو آواز ہے، میں اس آواز کو قیادت تک پہنچاؤں،
नेतृत्व की तरफ पहुंचाओ। देखिए खता हुई है, गलतियां हुई हैं, या तो गलतियां आवाम से हुई हैं कि हम अपने मुद्दे अपने इन सियासी रहनुमाओं या हुकूमतों के सामने पेश नहीं कर सके, एक बात यह हो सकती है। दूसरी बात यह है कि सियासी रहनुमाओं से यकीनन खता हुई है, कहीं ना कहीं गफलतें हुई हैं एक्सेप्शन के साथ, क्योंकि हाथ की पूरे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। कई ऐसे रहनुमा हैं, सियासी लीडर्स हैं, जो मुकामी सियासी लीडर्स भी हैं, लोकल सियासी लीडर्स भी हैं, और मरकजी सतह पर, केंद्रीय सतह पर भी ऐसे बहुत सारे सियासी रहनुमा हैं जिन्होंने अपनी अपनी जिम्मेदारियों को अदा किया है, जिसमें कुछ हम शहनशीन पर जलवागर रहनुमाओं को देख सकते हैं कि आज कौम मिलत का दर्द लेकर ये लोग उम्मत को बेदार करने के लिए बाहर निकले। अल्लाह इनको सलामत रखे, अल्लाह इनको आबाद रखे, अल्लाह इनकी उम्रों में सेहतों में बरकत अता फरमाए। आज उम्मत को यकजा करने के लिए इन मौजूदात पर आज ये लोग निकले। लेकिन बात अक्सरियत की कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं खता सियासी रहनुमाओं से हुई है कि उन्होंने अब आवाम के, समाज के, अल्पसंख्यकों के मुद्दों को जिस अंदाज से, जिस शिद्दत के साथ, जिस कुव्वत के साथ पिछली हुकूमतों के सामने अपने आला नुमाइंदों के सामने पेश करना चाहिए था, हो सकता है उन्होंने पेश नहीं किया, या फिर बात मरकजी क़यादत की आती है, केंद्रीय नेतृत्व की आती है कि क्या वो लोग इस मामले में खता कर गए। क्योंकि नतीजा इस बात पर दलालत करता है कि ये जो सारा मरहला हुआ है, कई कामयाबियां और तरक्कियां भी दिखी हैं, लेकिन ये जो कमेटियों के रिपोर्ट्स हैं, ये मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी की मरसिया खा है, ये मुसलमानों की तालीमी हालतों पर खून के आंसू बहा रही है। यकीनन ये हालात जो हुए हैं कहीं ना कहीं या हमसे हुई है, या सियासी रहनुमा से हुई है, या मरकजी कयादत से हुई है। खता तो हुई है, गलती तो हुई है, लेकिन उन गलतियों को हमें समझते हुए, उससे सीखते हुए, क्योंकि अगर वो गलतियां नहीं हुई होती, वो खताएं नहीं हुई होती, तो आज ये हालात हम नहीं देखते, आज ये पसमानदगियां हम नहीं देखते, आज ये अल्पसंख्यकों की ये बुरी हालत कि सच्चर कमेटी कई सालों से रो रही है, महमूद रहमान कमेटी रो रही है, मिश्रा कमीशन रो रहा है, हर कोई जो नए नए तालीमी रिपोर्ट्स हैं वो मरसिया खानी कर रही हैं इस बात पर कि ये क्या हाल हो गया। तो यकीनन गलतियां हुई हैं, लेकिन उन गलतियों को सुधारना, अपने अहवाल को का मुहासबा करना, चाहे वो मैं हो, आप हो, या शहनशीन पर जलवागर, या हमारा केंद्रीय नेतृत्व हो, या मरकजी कयादत हो, कहीं ना कहीं गौर फिक्र करने की जरूरत है। ये हालात आज क्यों रोनुमा हुए हैं, और इन हालात से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, और कैसे बाहर निकलना चाहिए। दलवाई साहब ने बड़ी प्यारी बात कही, उन्होंने एक तबके का नाम लिया कि इसके अंदर अक्सरियत तालीम याफ्ता लोगों की है, लेकिन आप इस पर भी गौर करें कि हम अल्पसंख्यक हैं। जैन समाज, मेरी उनसे बड़ी हमदर्दी है, वो भी अल्पसंख्यक हैं। सिख समाज, वो भी अल्पसंख्यक हैं। लेकिन कहीं आपने देखा कि जैन समाज आरक्षण मांग रहा है, अपनी तालीमी पसमानदगी और पस्ती का रोना रो रहा है? कहीं आपने देखा कि सिख समाज अपनी तालीमी पसमानदगी का रोना रो रहा है? लेकिन ये हम हैं कि जो बारहा कई सालों से अपने इस गम को हम झेल रहे हैं, और हमें इस पर गौर फिक्र करने की जरूरत है। हमारी सियासी कयादत को इस पर गौर फिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि जहां गलतियां हुई हैं उन्हें सुधार कर आगे बढ़ना, हमारे हाल और मुस्तकबिल की फिक्र करना, इस पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। हमारी सियासी क़ियादत, मुकामी क़ियादत यहाँ मौजूद है, इनसे भी यही मैं गुजारिश करता हूँ कि आप समाज के, शहर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सूझबूझ, समझदारी, इत्तेहाद के साथ हमें जातिवादी और फ़िरका परस्त ताकतों को रोक कर, इस मुल्क की बुनियाद सेकुलरिज्म पर है, इस सेकुलरिज्म को हमें लेकर चलना है, इसे मजबूत करना है। इत्तेहाद के साथ हम आगे बढ़ें, और
ज्यादा से ज्यादा अपने परेशानियों को बाहमी खुलूस और इत्तेहाद से हम हल करें। वक्त की किल्लत है, बहुत कुछ समझना और समझाना बाकी था, लेकिन चूंकि साहब को जाना है तो हम अपनी गुफ्तगू को यहाँ समेटते हैं। और यहाँ इस तंजीम के जानिब से बड़े उम्दा ख्यालात पेश किए गए, हमें उस सब पर जो है अमल करना चाहिए, अपनी खामियों को गौर करके उसे किस तरह सही करें, दुरुस्त करें, उस पर हमें फिक्र करनी चाहिए। हर एक फर्द को अपना मुहासबा करने की ज़रूरत है। यहाँ बुलाया, आप सभी हजरात यहाँ आए, शहनशीन पर जलवागर हमारे मेहमानान, आमदार और दीगर सभी जिम्मेदार और बिलखसूस हमारे खासदार साहब यहाँ पर तशरीफ लाए, और सभी आप मेहमान मर्द ख़वातीन यहाँ आई, अपना कीमती वक्त आपने निकाला। अल्लाह आपको आबाद रखे, आपको सलामत रखे, इस महफिल में हमारी मौजूदगी को अल्लाह कबूल फरमाए, और इन तमाम बातों पर मुझे और हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सुरवातीला रुबाबी पठान यांना विनंती करतो, त्यांनी मंचावरे छे रुबाबी पठान शरील शेख हिना बागवान शुकुर मोहम्मद बागवान शाहीन बागवान करके या सर्वांनी मंचावर येऊन आपले नियुक्त चलो जाओ सब जाओ सब जाओ लेंस 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 या ठिकाणी मैदान आजाद विचार मंच सोलापूर जिल्ह्याच्या वतीने या ठिकाणी ग्रामीण भागातील काही निवडी या ठिकाणी होत आहेत। सन्माननीय मैदान आजाद विचार मंचचे संस्थापक अध्यक्ष हुसेन भाई दलवाई तथा सोलापूर जिल्ह्याचे अध्यक्ष इस्माईल भाई पटेल यांच्या हस्ते या ठिकाणी या नियुक्त्या देऊन उभे आहेत। या ठिकाणी आभार प्रज्वलित करण्यासाठी या सोलापूर शहराचे अध्यक्ष सन्माननीय शोकभाई पठाण यांना विनंती करतो की त्यांनी उपस्थित मान्यवर त्यांना विनंती करतो। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर एक दिन की बात पर सब लोग यहाँ पर आए मौलाना आजाद विचार मंच की बात सुनने के लिए और मुस्लिम समस्या के लिए मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। आए और मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ और कार्यक्रम खत्म से जाहिर करता हूँ।